बच्चे बूढ़े और जवान केबीसी एक ऐसा शो है जिसे हर पीढ़ी का पसंदीदा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चन साहब। इसलिए पिछले साल जब उन्होंने केबीसी के खत्म होने का ऐलान किया तो हर किसी के आंखों में आंसू थे, पर महीनों बाद एक बार फिर दर्शकों और चाहने वालों को मुस्कुराने की वजह मिल गई है। जी हाँ, अपनों से ये कहना कि कल से हम नहीं आएंगे, ये कहने की ना तो हिम्मत हो पाती है और ना ही मन होता है। मैं इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूँ शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। पिछले साल इन्हीं लाइनों के साथ महानायक अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 15 के मंच से अलविदा किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने हर चाहने वालों को इमोशनल कर दिया था। पर नवरात्रि के मौके पर सदी के महानायक ने अच्छी खबर शेयर की है। बिग बी कौन बनेगा करोड़पति 16 के साथ टीवी पर वापस आ रहे हैं। शो का प्रोमो शेयर किया गया है जिसे देखकर एक बार फिर से रोंगटे खड़े होना लाजमी है। बच्चे बूढ़े और जवान केबीसी एक ऐसा शो है जिसे हर युग की पीढ़ी का भरपूर प्यार मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चन साहब। इसलिए पिछले साल जब उन्होंने केबीसी के खत्म होने का ऐलान किया तो हर किसी की आंखों में आंसू थे, पर महीनों बाद एक बार फिर दर्शकों और चाहने वालों को मुस्कुराने की वजह मिल गई है। सोनी टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर केबीसी 16 का प्रोमो शेयर किया गया है। प्रोमो की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां से बिग बी ने पिछला सीजन खत्म किया था। इसके बाद भारी सी आवाज में वॉइस ओवर चलता है और आवाज आती है, हर आरंभ का अंत तय है मगर अपनों के प्यार में जो आनंद है। फिर हॉट सीट पर बैठी कंटेस्टेंट कहती है, मम्मी बोलती है कि ये मेरा शो है। बच्चे बोलते हैं ये मेरा शो है। चार पीढ़ियों को इस शो ने जोड़े रखा है। फिर वॉइस ओवर शुरू होता है और कहा जाता है कि हर अंत के बाद शुभारंभ निश्चित है। वॉइस ओवर खत्म होने के बाद बिग बी मंच पर भागते दौड़ते एंट्री लेते हैं। वो कहते हैं कि गुंजा जो आपके प्यार का शंखनाद तो आना पड़ेगा। फिर सच कहें तो बच्चन साहब की ये बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगता कि जैसे मानो फैंस के लिए इससे बेहतर तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता था। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि शो कब और कहां देख सकेंगे। हर बार की तरह केबीसी का नया सीजन भी सोनी टीवी पर स्ट्रीम होगा। शो 26 अप्रैल से शुरू होगा। 26 अप्रैल से रात 9 बजे से फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। अगर आप केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का चांस नहीं खोना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी रहिएगा। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।